गाइस बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमल लैब का स्वागत है। कैसे आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। देख सकते हो मेरे यहाँ पिंपल हो गया है। तो कितना बार बोलेगा यहाँ पे? इस बार आईब्रो में हो गया यार। कौन नजर मार रहा है बताओ तो? मेरे नेल्स देखे सब जल रहे हैं, यानी कि मेरे घर वाले से मेरे नेल्स देखे जल रहे, इसीलिए मेरे यहाँ पिंपल हो रहा है। देखो हम लोग तो जलते ही रहते, तुमको देख के तो सुंदर हो तुम। हाय हाय, देखो सुन लेना गाइस, पहले ही बोल दिया। तो गाइस अभी दोपहर के 1 बजे तो जस्ट अभी हम खाना खाएंगे। खाना में आज हम लोग का चिकन बना है, चिकन चिल्ली बना है। हाँ बनता ही है ठंड में। तो गाइस पता नहीं कुछ हैटर लोग, कुछ हैटर जो होते हैं ना वो लोग, जैसे कि खाएगा कि नहीं उतना दे दी तुम, हम खाएंगे। तो कुछ हैटर्स लोग होते हैं जो इतने गंदे गंदे गाली बांटते हैं आधा में, तो मुझे गाली दे के दिखा दो, घर से उठा के ले जाएंगे बाराती में। हम बता दे रहे हैं। तो गाइस कुछ एक है जिसका डीपी भी नहीं लगा, पता नहीं नाम तो ऐसे लिखा है जैसे कि चांगड़ी चिंगड़ी चांगड़ा चुंगड़ू नाम लिख कर है। उसका फोटो यहाँ चिपका देंगे, अगर मुझे अगर आप लोग देखना चाहोगे तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा स्क्रीन में, आप लोग वहाँ देखना। तो वो ना इतने गंदे गंदे रिलेटेड गाली देता, जैसे कि मैं अपने भगनी देता नहीं है, गलत रिश्ता जोड़ रहा है। हाँ गलत रिश्ता जोड़ रहा है। उसको किसने हक दिया गलत रिश्ता जोड़ने का? किसने हक दिया तेरा मुंह में? हाँ जो पता नहीं पहले लड़का है कि लड़की है, ना डीपी में फोटो है, ना ढंग से नाम लिखा है, ना कुछ भी नहीं। अगर तुम लड़का है तो सुनो, और लड़की है तो भी सुनो, दोनों में से जो भी हो। हम तो गाइस सबसे पहले बता किस किसके लिए गा देते, तो मेरे भगनी के साथ हम लोग वीडियो बनाते हैं या दीदी के साथ बनाते हैं, जिसी के साथ भी हम लोग, मतलब सब हम लोग पूरा फैमिली मेंबर पूरा मनाते हैं हम लोग। तो उनमें से एक ही हैटर्स पैदा हुआ है जिंदगी में, एक ही हैटर्स पैदा हुआ है। आज तक ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा कोई नहीं करता जिससे पूरा एकदम हर्ट हो जाए, दिल में पूरा रो दे। अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए जो ये है वो पूरा गलत रिश्ता जोड़ दे। जैसे की अब वो लड़का है लड़की है उसको मेरे को पता नहीं, लड़का है कि लड़की है मुझे पता नहीं। तुम सुनो, हम बोल रहे हैं तुम सुनो, तुम्हारे घर में बच्चे होंगे, भाई बहन होंगे या जो भी होगा, उसके साथ तुम रिश्ता करना, एक काम करना, अपना घर का बेटी हो या बेटा हो बाहर शादी मत करना, तुम अपने खुद शादी करना, या फिर किसी बहन या भाई का बेटा से शादी करवा देना, तब ठीक रहेगा। अगर तुम्हारा बेटी होगा तो उसको कोठा भेज देना, कोठे वाले ले लो, ए कोठे वाले ऐसा कर देना, समझ में आया ना? जब दूसरा का जब जैसे तुम लोग, जब हम लोग जब तक बोलते नहीं, जब तक हम लोग के घर का मेंबर का बात नहीं होता तब तक हम लोग किसी को कुछ नहीं बोलते, हम लोग अपना इसमें। अभी तो एक जन तो हद ही पार कर दिया यार, बच्चा में घुस गया यार। तुम्हारे घर में माँ बहन बच्चा है कि नहीं? हाँ अगर तुम अगर औरत हो गई या लड़कियों के पता नहीं आना चाहिए, अगर शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। अगर लड़का हो गया तो तुम्हारा भी कुछ दिन बाद जाके छोटे छोटे बच्चे होंगे और उनको कोई बोल देगा तो तुम्हें कैसा लगेगा पहले बता? जैसे तुम बोले हो ना हम लोग को, तो ऐसे हम लोग आग लग गई है, ऐसा आग लग गया क्या? तुम आगो ना पक्का सड़ जाएंगे तो जल कर राख हो जाओगे, रोंगो हो जाएगा, रोंगो हो जाओगे। बोलना है तो हम लोग को, हम लोग को बोलो, हम लोग भी बनाते, बोलना है तो यार हम लोग को बोलो, हम लोग सोशल मीडिया में है, बच्चे लोग तो ऐसे ही, हम लोग को गाली दो, बच्चों का क्या गलती है, इतना गलत वर्ड से गाली दिया है। मैं देखिए मेरा वीडियो में, मैं आज मैं मेरा चैनल डिलीट होगा उससे कोई गम नहीं है, लेकिन मैं गाली आज पूरा दी हूँ, क्योंकि ना मैं सब सुन सकती हूँ, लेकिन अपना फैमिली अपना बच्चा, अब तानिया तो एक लड़की है तो आप जानते हो, लड़की पर अगर ऐसे बिकता है, देखो वो लड़की है, आज हमारे घर के लड़कों को गाली दो ना, कितना गाली देना, मुझे गाली दो यार, जितना देना है दो यार, ऐसे में गाली सुनने में मेरा आदत हो गई है, दो यार ऐसे तो गाली देना। पता नहीं कहाँ से एक नमूना है कि नमूनी है, कहाँ से पैदा हो गया है पता नहीं, दिखाइए अभी नहीं, अभी हाइट हो गया है वो। कोई बात नहीं, उसका अगर मिलेगा डाले ना, गाली देगा देखना फिर से, इस बार गाली देगा ना, सच्ची बता रहे, तुम्हारा चाहे बेटा हो या बेटी लोग या कोठा भेज देना यार, दूसरा का जब दूसरे का खानदान का, मैं से किसी को भी अगर तुम जब गाली देते ना, खुद का खानदान को भी देखो तुम लोग अपने, तुम लोग ना गलती मतलब गलती करता है, एक छोटा सा एक गाली देके दूसरों का हाय लेना अच्छी बात नहीं है। हाँ गाली देने से पहले ये सोचते हो कि तुम्हारे घर में भी एक परिवार है, ये तो सोचते हो कि नहीं, कि यूं ही भगवान ने तुम्हें खाली खजूर से फेंक दिया जमीन के नीचे? ये सब जो अभी हम लोग बोल रहे हैं, ये सब तुम लोग, आप लोग अगर नहीं बोलते तो ये सब नहीं निकलता। तो मैं जो गलत कमेंट किया मैं उनको रिप्लाई दे रहा हूँ, ऐसे भी उसको हम रिप्लाई देना जरूरी भी नहीं समझते, बस खाली बच्चा को बोला है मैं उसको बोल दे रहा हूँ, आइंदा दोबारा कमेंट नहीं करना। जितना भी कमेंट आया कॉमेडी वाला आया है या तो फिर अच्छा ही वाला आया है सबसे ज्यादा, तो पर ऐसा है, ऐसा नहीं है जो अभी कभी नहीं है, कोई भी नहीं बोला, ये पहला ऐसा इंसान है लड़का की लड़की है जो भी है, हमको नहीं पता है, अच्छा नहीं किया, मन खराब लग रहा है। अगर लड़की हो गई तो तुम्हारा जब शादी होगा ना, तुम्हारा ससुराल में इतना कूटेगा, तुमको इतना कूटेगा ना, दोबारा शक्ल दिखाना लायक नहीं, लड़का होगा ना घर का घर का, लड़का हो या लड़की छोड़ो, उसको बेटी होगा ना जो दूसरा के साथ गलत करेगा उसका भी वैसे ही होगा, तुम देखो। हाँ तुम दूसरे के साथ गलत करोगे तुम्हारे साथ गलत होगा,
मेरे साथ देखो यार, किसी साथ गलत तरीके, इसलिए मेरे शुरू से लेके पहले थोड़ा बहुत ये थे, बोले कि वो अलग बात है। चीटी का ही काट रहे, फेंड मारेंगे बता दे रहे। मन कर रहा चीटी काटने का, इसलिए काट दिया। हाँ, क्योंकि पता है। जो गाली दिया उसको तो काट नहीं सकते, इसलिए तुम्ही को काट दे रहे, आता सामने काट देते। बता दे रहे। तो चलो गाइस, उसको कैसे पता नहीं, अगर बेशरम होगा तो दोबारा कमेंट करेगा। और अगर अगर शरीफ का इंसान गाली नहीं कर रहा, शरीफ का चतलों का तो नहीं करेगा। अरे और क्या बोलते है, क्या बोलते उसको, भूल गए, निकलो जल्दी, भूल गए, उसको गाली देने का मन ही था। अगर हम लोग ना ही अपना आईडी को नुकसान कराना, तुमको गाली देना चाहते, बस तुम गलत ऐसा ना करो जो हम लोग ना बोले। जैसे गाइस आप लोग हमें इतना सपोर्ट करते हो, उल्टा आप लोग समझाते हो, पता नहीं एक हेटर्स पैदा हुआ, एक हेटर्स क्या, जो इतनी जलन हो गई, इतनी किस बात की, इतनी जलन हो गई तुम्हारी। हाँ, एक बच्ची से, छोटी बच्ची से, हाँ जो ना कुछ बिगाड़ी है तुम लोग को, तेरा कोई डांस करके, आप लोग डांस इसलिए करते, आप लोग पसंद करते, आप लोग पसंद करते हो, इसीलिए वो आके डांस करती है कि चलो मेरा वीडियो तो कोई तो पसंद करता है। हाँ। पता उससे तो पता ही नहीं था कि मेरा आगे कोई हैटर्स भी पैदा हुआ, जो पता है वो हम लोग को पता है, छोटी है, सब तो जानती भी नहीं। इस वजह से वो डांस करती है कि आप लोग को पसंद है, वो चाहती है कि मैं डांस करूँ आप लोग के लिए, सिर्फ आप लोग के लिए डांस करती है, इसी वजह से उसको डांस सीखने का भी मन करता है। तो बोली अपनी मम्मी को हम डांस सीखेंगे, आप लोग ऐसे हेटर्स कमेंट करेंगे तो क्या उसको बाहर फिर ऐसे नहीं सीखेगा, उसको पढ़ने लिखने में ध्यान देना पड़ेगा, सब ऐसे तो देती है। आप समझ रहे, यही हैटर्स लोग का वजह से लड़की लोग रुक जाता है बीच में ना, इसीलिए तो कहीं जा भी नहीं सकता, इसीलिए इसीलिए कोई लड़की आगे बढ़ने नहीं सकता है, और कोई लड़की खुल के जीने नहीं सकता, जीने नहीं सकता, यही हैटर लोग का वजह से। तो गाइस कौन हैटर से, मेरे को गाली दो, मेरे को गाली दो, और अगर दम है ना तो अपना सही सही नाम लिखना और सही सही फोटो लगाना, अगर इतना हिम्मत है तो फेक फेक मत लगाना ताकि किसी और के ऊपर हम लोग गलत हो जाए, समझे ना। बाय बाय, गुड नाइट, गुड बाय। हाँ हाँ, अभी हम जा रहे खाना खाने के लिए, खाना अच्छा से मुझे खाने दो, हम बता दे रहे हैटर्स। बाय बाय गाइस, जो हमें सपोर्ट करते हैं, जो अच्छे से कमेंट करते हैं, तो वो लोग बुरा मत मानना, क्योंकि ये जो वीडियो बनाए थे वो हैटर्स के लिए था। आप लोगों को पता है ना, बहुत सारे हैटर्स होते हैं, बच्चों को गाली देना अच्छी बात होता है, पहले बताओ, गलत तरीके से बोलना, गाली देना अच्छी बात नहीं है, इसीलिए हम वही लोगों को गाली दे रहे थे। उसके बाद हम खाना खाने लग गए थे, इसीलिए हम सोचे पीपल खाना खा लेते, फिर जो बाकी जो बोलना होगा बात तानिया का उठ रहा है, इसीलिए किसी को भी मीना देखे मीना जाने नहीं बोलना चाहिए, खास करके तो बच्चों को तो और भी नहीं, हाँ मीना जाने मीना सोचे, बड़ों को बोल दो, क्योंकि बड़े बड़े समझता भी है और जानता भी है, इसीलिए क्योंकि सोशल मीडिया ना अच्छी तरीके से पहचानता भी, और मैं तो अच्छे तरह से पहचानता हूँ, और मैं क्या क्या हरकत करता हूँ क्या नहीं करता हूँ ये मुझे भी पता है। भैया क्या बोल रहा था तभी मैं, तो चलो कोई बात नहीं, हम वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, चलो। और देखो दोबारा कमेंट नहीं आना चाहिए, अगर इतना हिम्मत है कमेंट मत करना, सामना सामने होके मुकाबला करना, मुझे दो यार, मुझे कितना गाली देना, दो यार ऐसे भी कमेंट सुन ना, साहब साहब की चैनल अगर मोनेटाइज करना है तो आ जाओ कर देंगे। हाँ लेकिन गाली मत दो। हाँ देखो गाली मत दो, बात प्यार से भी हो सकती है, जरूरी नहीं गाली से ही हो सकती है। हाँ प्यार से भी हो सकती है, गाली देना तो जरूरी नहीं है। ठीक है बाय बाय, ठीक है बाय बाय, चलते गाइस नेक्स्ट व्लॉग।